एग्जॉटिक नेचुरल फ्लावर्स की खुशबू के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडिंग मैनिया। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले एक महीने से मैंने कई बार ट्राई किया, कई बार मैंने सोचा शेयर करने के लिए, लेकिन मैं शेयर कर नहीं पाया। पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, अक्टूबर 3 तारीख को मेरा दिल्ली में एक एक्सीडेंट हो गया। एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर रेड लाइट था, रेड लाइट पर मैं एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक कार वाले ने गलती से मुझे टक्कर मार दी और मेरा नी फ्रैक्चर हो गया। और मैं पिछले एक महीने से मैं बेड रिडन हूँ और मेरा नी सर्जरी हुआ है, ACL का सर्जरी हुआ है और इसे रिकवर करने में अभी वक्त लग रहा है। तो यही वजह है कि मेरा राइड आजकल हो नहीं रहा है, मैं राइड नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं नए नए वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे पास जो पहले के वीडियोज़ बने हुए हैं वही मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्लस कुछ अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोज़ मैंने सोचा है अपलोड करता रहूं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोग भी इंटरटेन होते रहे, आप लोग को भी नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो नी सर्जरी होता है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा भी एक महीना अप्रोक्सीमेटली हो गया है और स्टिचेस वगैरह कट गए हैं, लेकिन अभी मेरा चल रहा है फिजियोथेरेपी, क्योंकि नी अभी काफ़ी कमज़ोर है, नी बेन नहीं हो रहा है। तो नी बेन होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और जब पूरी तरह से नी फिट हो जाएगा उसके बाद ही मैं राइड पर जा पाऊंगा। और उम्मीद करते हैं, होपफुली, कि नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं हिमाचल राइड पर जाऊंगा। मेरे कई दोस्त जो हमारे को राइडर्स हैं वे भी कंसर्न है और वे भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं राइड पर निकलूँ और नए नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे पैर का कंडीशन क्या है। सो दोस्तों, ये है मेरे पैर का कंडीशन। अभी भी यह लगा हुआ है और इसकी वजह से ही अभी मैं थोड़ा बहुत वॉकर की मदद से चल पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो सर्जरी हुआ है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर फ्रैक्चर था। इस पार्ट में फ्रैक्चर था, स्क्रूज लगे हैं, प्लस जो लीगामेंट डैमेज था, लीगामेंट कम्प्लीट डैमेज था, तो उसके लिए लीगामेंट को रिपेयर किया गया है। तो ये है स्थिति आज की तारीख में और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं रिकवर कर जाऊंगा और फिर जल्दी से जल्दी राइड पे जाऊंगा। और मुझे ज़रूरत है आप सबकी दुआओं की, मुझे ज़रूरत है व्यूअर्स की दुआओं की, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर व्यूअर्स। विशेष कुछ कहना नहीं है, मेरी जो स्थिति आज की तारीख में वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। जैसे रिकवर हो जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा राइड पे, इधर उत्तराखंड और हिमाचल, और जहां का भी प्लान बनेगा वहां पे राइड पे जाऊंगा। फिर से नए नए वीडियोस में अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्थिति है उसे मैंने शेयर किया आप सबके साथ, तो कैसा लगा वाली बात नहीं है। और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो वीडियोज़ मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं उनको मैं एडिट करके अपलोड करता रहूँगा, ताकि YouTube पे कंटिन्यूटी बनी रहे और आप सबको भी थोड़ा ही सही बल्कि इंटरटेनमेंट मिलता रहे। तो इसके साथ मैं वीडियो करता हूँ बंद यहाँ पर। नमस्कार, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।